अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एनएमएमसी के रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों ने की वेतन बढ़ाने की मांग। कोरोना महामारी में सेवाएं देने के बदले मांग रहे सुविधा। कोरोना महामारी के बीच नागरिकों के इलाज में जुटे मुंबई मनपा के रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों ने मोर्चा खोलते हुए ज्यादा वेतन देने की मांग की है। मनपा आयुक्त एबी मिसाल को ज्ञापन देकर उन्होंने स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की तरह 40 से 50 हज़ार वेतन और अन्य भत्ता देने की मांग की। रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे कोविड नियंत्रण एवं कोरोना के इलाज में जान का जोखिम लेकर ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 22 हज़ार वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 22 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम कमिश्नर सर से और एमएस सर से मिल के आए अभी, और हमारी डिमांड सभी यही है कि हमारा बेसिक पे जो है एटलीस्ट 54,000 सब हो, और उससे ज़्यादा भी अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। एक्चुअली हम बीएमसी से कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हर जगह पे डिमांड करने के बाद YCM पुणे और बीएमसी यहाँ पे पेमेंट हाइक हो चुका है, तो हमारी डिमांड ऐसे नहीं है कि वो डिजर्व, हम ऐसे ही कुछ मांग रहे हैं। एक्चुअली वी डिजर्व दिस एंड वी वांट दिस। और अगर BMS, BHMS ये सब कंपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों को हमसे ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है। प्लेन MBBS भी है तो उनको भी तो 65,000 मिल रहा है। सो हमारी डिग्री ऐसी नहीं कि वी आर स्पेशलिस्ट, लेकिन फिर भी हम ड्यूटीज़ कोविड कौन सी कर रहे हैं तो कोविड ड्यूटीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मैं खुद डेली कोविड OPD अटेंड कर रही हूँ, एक्चुअली डेली कर रही हूँ मैं, उससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं करती। मेरी ब्रांच क्या है तो DGO है, उसका मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं कोविड ड्यूटी कर रही हूँ तो मैं डेली कर रही हूँ। तो रेस्ट का तो मैं ऐसा नहीं मांग रही कि हम लोग ऐसे भी नहीं बोल रहे कि अब हम 7 डेज ड्यूटी कर रहे तो हमको 4 दिन रेस्ट दो, हम वो भी कुछ मांग नहीं रहे। तो अभी एटलीस्ट बेसिक पे जो है एक सेफ्टी साइड रहता है ना कि आप हमारी पेमेंट एक अच्छी तरह से दो, तो एक माइंड में सेफ्टी रहेगा कि हाँ ये सैलरी भी ठीक से मिल रही है, सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस एटलीस्ट आवर ड्यूटीज़। सो हमारी डिमांड एक ही है, डिमांड एकच होती कि ॲटलीस्ट आमचं जो आम्ही काम करतो त्या तुलनेने ॲटलीस्ट 54,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त कोविड पे देण्यात यावा, हीच फक्त आमची मागणी होती। त्या मागणीसंदर्भात हे सगळे माझे आम्ही मित्र सरांना भेटलेलो होतो, सरांना आम्ही भेटलो पण सरांचे काही उत्तर आम्हाला समाधानकारक वाटले नाहीत। त्याच्यानंतर आम्ही असं ठरवलं की 22 तारखेपर्यंत आम्ही काम करणार आहोत। आज पण आमचं काम चालू आहे, बाकी सगळे लोक आमचे बाकीचे जे आहेत ते कामगार आहेत। जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर त्यानंतर मग आम्ही नमोदी, जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार तोपर्यंत आम्ही स्ट्राईकवर जाऊ। आम्ही एकूण 60 डॉक्टर आहेत, 3 हॉस्पिटलचे मुळे वाशी ऐरोळी नेरळी मुळे, आणि आम्ही असं ठरवलं की 22 तारखेनंतर आम्ही काम बंद करू जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर। 6 ते 7 आहेत, उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगू शकतो मी, ठाणेच हॉस्पिटल आहे, YCM पुणे आहे, यांच्यामध्ये ह्या कोविडच्या पिरियडमध्ये यांचं स्टाफ वाढलेलं आहे, परंतु तसं आमच्या सभेत काहीच नाही झालं किंवा ॲटलीस्ट आम्हाला काही समाधान उत्तर पण नाही मिळालं की आम्ही असं करू तसं करू, आम्हाला कोणी काही बोलायला तयार नाही व्यवस्थित। त्यामुळे मग आम्ही असं ठरवलं की 22 तारखेनंतर आम्ही अमोदित संप करणार आहोत। तर आमची तुम्हाला एवढीच मागणी आहे की आम्ही काम करायला तयार आहोत, आम्ही असं म्हणत नाही की काम करणार नाही आहे, परंतु आमचे जे काही किमान मागणी आहेत, आता 24,500 एक डॉक्टर ज्याचं पोस्टिंग झालं आहे त्याचे घर तसं चालायचं, हा आमचा एक म्हणजे आतड्याचा प्रश्न आहे, म्हणजे अंतर्मुख व्हायला पाहिजे प्रशासन या आधीच, किंवा हे लोक आपल्या जीवाचे प्राणाची बाजी करून, किंवा तुम्ही बघितलं असेल की गेल्या महिन्यामध्ये मिलिटरीने वरून सगळ्या डॉक्टरांवर फुले वगैरे शकले, हे ह्याचं आम्हाला काही गरज नाही आहे। ॲटलीस्ट आमचं जो बेसिक पे आहे ते चांगलं निवासस्थान किंवा चांगली पगार भेटणं हे आमचे जे हक्क आहेत, बेसिक हक्क ते तर मिळाले पाहिजे। आम्ही सांगतो गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही काम करतो आहे, तर आम्हाला आता पण हॉस्टेल पण नव्हतं, आता जस्ट ते कोविड पिरियड आल्यामुळे आम्हाला ते MP भवनमध्ये आम्हाला हॉस्टेल दिलेलं आहे। त्या दरम्यान आम्ही कितीतरी वेळ सरांना भेटलो किंवा आमच्यासाठी हॉस्टेलची व्यवस्था करा, आम्हाला व्यवस्थित लायब्ररी नाही आहे, पण ह्या मागण्या तरी आम्ही सध्या नाही आहेत। फक्त आम्हाला आमचं म्हणणं आहे की ॲटलीस्ट आम्हाला घरच्यांना पाठवण्यासाठी, जेव्हा आमच्या घरचे तरी ॲटलीस्ट व्यवस्थित राहू शकतील, त्यासाठी 50,000 स्टायपंड योग्य आहे, एक आता असं मागणी आहे, पण ते जर प्रशासन करायला तयार नसेल तर मग बता दें कि नई मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों का वेतन वृद्धि की मांग और हड़ताल की चेतावनी मनपा की चिंता बढ़ाने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होंगी। देखना होगा मनपा आयुक्त इस पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।